अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक है। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसा कि आज ईद का दूसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत ही मज़े की गुजरी है। रात को हम लेट सोए और सुबह लेट उठे और अभी तकरीबन 3 हो रहे हैं। घड़ी है ना यार, तो अभी 3 हो रहे हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि गांव में सादगी से लोग किस तरह रहते हैं और किस तरह सादगी से ईद अपनी गुजारते हैं। साइकिल भी आ रहा है आपको दिखाते और माशाल्लाह मौसम इतना मजे का है, सही एंजॉय वाला मौसम है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए। तो व्यूवर्स, ये हमारा बाग है और इसमें ये कुआँ, ये हमारे दादा ने 1965 में बनवाया था ताकि उस टाइम मुसाफिर जो सफ़र करते थे क्योंकि पानी पीने के लिए आसानी हो जाए। ये बिल्कुल रोड साइड पे बना हुआ है और इसकी तकरीबन है ये 65 फीट गहरा है आई थिंक, और शुरू से ही ये रोड साइड के नज़दीक है और पानी फ्री लोग भरते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हर तरफ बोरिंग है और लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो हाथों से पानी निकालने वाला सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो गया है। वो ऊपर हमारा घर है जहाँ से हम आए, वो चढ़ाई के साथ ही है। ऊपर है, वो ऊपर, वो हाँ। तो यहाँ भी दरख्त भी हैं, अभी माल्टे के 2-3 लगे हुए हैं और आम के लगे हुए हैं। पहले यहाँ अमरूद भी था और बहुत कुछ था लेकिन ख़त्म हो गया स्लोली स्लोली। तो भी बस देखें, ये कुआं है यहाँ। जैन उसे क्या कहते हैं वो जो इधर होता है जिसे पानी निकालते थे? वो हमारी पंजाबी जुबान में उसे बोलते हैं बोकी। तो व्यूवर्स, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ये यहाँ मिसाइल मोटर लगी हुई है और हमारे घर में यहाँ से फ्रेश पानी जाता है। तो मज़ीद क्लिप्स दिखाएंगे तो हमारे साथ रहिए। अभी हम आपको वो वहाँ जो नीचे घर नज़र आ रहे हैं अभी हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, तो चलें चलते। अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि पत्थर भी हैं और कांटे भी बहुत हैं, तो हम आस्ते आस्ते नीचे जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम नीचे जा रहे हैं, आपको सारे क्लिप्स दिखाएंगे जो जो यहाँ मूवमेंट्स हैं, जहाँ ग्रीनरी है हम आपको सारी वो दिखाएंगे। यहाँ से नीचे से जंगल थोड़ा सा शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पहले बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे लेकिन फिर वो सारे लोगों ने काट दिए और अभी इतना नहीं है। अभी रास्ता यहाँ बना हुआ है, पहले रास्ता भी नहीं होता था, यहाँ लोग इसी तरह नीचे जाते थे। व्यूअर्स, ये हमारा रोड बहुत ख़राब है, सून है, सून ये जल्दी बन जाएगा, फिर यहाँ से गाड़ियाँ जाना शुरू हो जाएंगी। अभी हम आपको जिस साइड पर लेके जा रहे हैं वो आप एरिया देखेंगे, बहुत मज़े के उन्होंने घर बनाए हुए हैं, इतने खूबसूरत उन्होंने घर बनाए हुए हैं, वहाँ पर फैमिली रह रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम आपको वो दिखाएंगे किस तरफ हम जा रहे हैं, रास्ता उनके घर की तरफ जाता है। मासी ईद मुबारक। ठीक है, अभी हम जिस साइड पे आए देखें, हमें ईद मुबारक कह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सादगी से लोग जिंदगी गुजर बसर करते हैं। हम इस अपनी जबान में बुखारी जबान में तो छपर कहते हैं, हट झोंपड़ी आप कह सकते हैं मतलब के। और लोग पहले बिल्कुल इनके पक्के घर नहीं है, इसी तरह कच्चे मकान पड़ने हुए हैं इधर, तो लोग इस तरह रहते हैं। ये अकेले छोड़ गए इसको, तो वो सब आएंगे रात को बांध देंगे इनको यहाँ पे, हम लोग जल्दी आ गए हैं। और व्यूअर्स, यहाँ अकेले के ये दरख्त लगे हुए हैं 3-4, क्योंकि ये वैसे लोग लगाते हैं क्योंकि एक तो रास्ता इनका, क्योंकि इनके पक्के मकान नहीं होते रास्ता कवर करने के लिए। बस देखें यहाँ कितनी मुश्किल से ये लोग पानी भर के लाते हैं ऊपर और अपने सर पे बाल्टियाँ रख के। अभी तो इनको और सहूलत हो गया क्योंकि इन्होंने अपना इधर एक छोटा सा कुआं और भी खोद लिया है। वैसे ये जो आपको हमने पहले वो कुआं दिखाया था ये वहाँ से पानी भरते थे वो बहुत मुश्किल से, लेकिन अभी इनका यहाँ नज़दीक हो गया ये कुआँ। वो नीचे आपको 2 दीवारें नज़र आ गई हैं, हाँ इन्होंने अपना कुआं अपना खोदा है और अभी इनके लिए आसानी हो गया। अभी बस आप देख सकते हैं ये कच्चा फर्श, ये मिट्टी का फर्श है जिसे हम अपनी पटवारी जबान में कहते हैं गारे का फर्श, गारे का होता है। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ लोग रोटियाँ किस तरह बनाते हैं, देसी ओवन कह सकते हैं आप। हमजा, आप क्या कह रहे हो इसके किचन में? तो भी बस ये देखें, ये बिल्कुल मिट्टी का
और यहाँ तवा, यहाँ ये रोटी बनाते हैं। बहुत ही प्यारा सिंपल छोटा सा सेटअप है, बिल्कुल मिट्टी का, देखें ये फुल गारे का है, मिट्टी का है। और ये देसी ओवन, हम तो उधर कुत्ता भी है देखना। कुत्ते से मुझे बड़ा डर लगता है। ओए होए जबरदस्त, तो हम भी यहाँ पे रख लें, बड़ी मजे की जिंदगी है यार। ये देखो ना, ये वो बेड है ना, ना बस ये हाथों का बने हुए हैं, इन्होंने खुद बनाए हैं बेड। नेचुरल कूलर ये, ये नेचुरल कूलर है, हम इसे अपनी जुबान में गागर कहते हैं। ये इसमें पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, ये बिल्कुल नेचुरल कूलर है। घर पे रखते हैं। वर्ष आपने देखा कि यहाँ लोग कितनी सादगी से खूबसूरती से जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, लेकिन अभी तकरीबन 5-6 माह हुए हैं यहाँ लाइट आई है, और लोग बहुत ही सादगी से और खूबसूरती से जिंदगी गुजारते हैं, गठे गुजर बसर करते हैं ये लोग। तो हम आपको आगे और मजीद दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अभी इन्होंने तकरीबन कुछ माह हुए हैं ये, इन्होंने इनका थोड़े से हालात बेहतर हो गए हैं, लोगों ने हेल्प की है, उन्होंने थोड़े से पक्के मकान बना लिए हैं। लेकिन वैसे ये पहले इस तरह छपरों में रहते थे, झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, ये घास वगैरह की जो ड्राई घास सूखी घास होती है ये उससे, और केले के जो केला होता है ये केला लगाते हैं उससे ये कवर कर लेते हैं ऊपर इसको। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत थोड़ी चेंजिंग आ गई है, ये खंभे लगे हैं, ये कुछ तकरीबन 1 साल में इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, पहले नहीं थी ये। अभी आपको मैं वो किचन दिखाने लगा हूँ जिधर ये अपनी जिंदगी असर बसर करते हैं, बसर क्या जो भी करते हैं। ये इनकी लाइक, ये देखिए अभी इन्होंने आग लगाई है, देखिए स्टाइल कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए ये आग लगा रहे हैं, ठंडी ठंडी बिल्कुल बढ़ाते है, ये उड़ पा लेता ना कि खड़ा है। ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने ही है, इसमें रोटी रखते हैं, अच्छा जिसे हम हॉट पॉट कहते हैं। देखें हॉट पॉट, देसी हॉट पॉट है, देसी हॉट पॉट। देखें इनकी रोटी भी पड़ी है। और ये चूल्हा जी, ये चूल्हा आप देसी है, गरीब बंदे हैं ना, गरीब। तो व्यूअर्स है यहाँ भी माशाल्लाह एक मस्जिद भी बन गई है, बहुत खूबसूरत छोटी सी प्यारी सी मस्जिद है माशाल्लाह, यहाँ भी मस्जिद भी बन गई है। व्यूअर्स इनका बहुत ही छोटा सा गांव बस गया हमारे घर के पास, आपने हमारा घर देखा है वहाँ से नीचे से, ये थोड़ा सा नीचे एरिया है, यहाँ इन्होंने अपना छोटा सा एक गांव बना लिया है। पहले 2-3 बंदे इधर आए थे भेड़ बकरियों के साथ, और कोई इनका रहने की जगह नहीं थी, लेकिन अभी माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव बना लिया है यहाँ, और बहुत से लोग बस गए इधर। तो हम आपको मज़ीद दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। देखें ये हम आपको अभी दिखाएंगे नेचुरल फिल्टर प्लांट। तो ये देखें नेचुरल पानी निकालने का तरीका, मैन्युअली किस तरह ये पानी निकालते हैं। ये बहुत ही नेचुरली तरीका, इजी से पानी बगैर बिजली के यहाँ से पानी निकल सकता है, बगैर बिजली के मैन्युअली तरीका है। ये मनान यकीनन कामयाब हो गया पानी निकालने में, मेरे ख्याल में वो भर गया है बोल सा जो इसने डाला है इसमें। बस ये इसने इतना सा ही पानी निकाला है। इतने से होते थे ना, इसने हमें मारा और समझाया कि गांव में ये होता है ये होता है, आज हम बड़े हो गए, ये भी बड़ा हो गया, ये आज अपना एरिया में भी, ये इसका एरिया है सारा, ये इनका एरिया है, ये भी हमें विजिट करेगा। अंदर भाई चले आए ना, बताएं कि कहाँ कहाँ चलना है। ये इन्होंने कितनी खूबसूरत डिजाइनिंग की हुई है, ये इनका छोटा सा किचन है, यहाँ ये रोटियां वगैरह बनाते हैं। ये इनका नाम अंसर है, ये अंसर भाई हमें अपने गाँव की सैर करा रहे हैं, क्योंकि हमें इधर इतना रास्ता नहीं पता। गाँव की सादा जिंदगी, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी। ये बकरियां, ये बकरियों का घर है, ये स्पेशल इन्होंने अपनी बकरियों का घर बनाया हुआ है, जबरदस्त। मैं गिरने लगा था। ये देखें यहाँ पे ये गाँव हजम होता है, और नीचे सारा जंगल है, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सेफ साइड है, इन्होंने अपना गाँव यहाँ बना लिया है। पहले कुछ भी नहीं होता था, सारा जंगल घना जंगल जिसे कह सकते हैं हम, लेकिन अभी काफी यहाँ ये लोग बस गए इधर, काफ़ी इन्होंने अपना एरिया कवर कर लिया और सेफ साइड है यहाँ। ये नीचे सारा जंगल है आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है, ओपन है,
और फुल ग्रीनरी। ये देखिए बकरी अपने बच्चे को दूध दे रही है। बिल्कुल मैनुअल मशीन है, बगैर बिजली के ये चलने वाली मशीन है, तो इससे ये चारा वगैरह जानवरों के लिए काटते हैं। व्यूअर्स देख सकते हैं ये माशाल्लाह अभी थोड़ी देर पहले ये गाय ने बच्चा दिया है। ये भी इनसे पूछते हैं कि ये लड़की है कि लड़का, आंसर है क्या यार? अच्छा बच्ची, ये गाय है जी, ये इसकी बेटी है, ये माशाल्लाह अभी इसने बच्चा दिया है। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये इस छोटे ने कबूतर रखे हुए हैं। तो व्यूअर्स यकीनन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये छोटा सा एक गांव है इनका, बहुत ही खूबसूरती और सादगी से ये लोग ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री और बहुत ही साफ़ एरिया देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत और साफ़ इन्वायरमेंट है ये सारा, और कोई इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री ये लोग हैं, ना बिजली ना गैस ना पानी। पहले पानी तो नहीं था, पहले आपको जो कुआं दिखाया था ये वहाँ से पानी भरते थे, लेकिन अभी इन्होंने अपने घर में तकरीबन एक साल से ये सारा इन्होंने घर पक्के मकान वगैरह किए हैं जानवर बेच वगैरह के, क्योंकि इनके पास काफ़ी जानवर होते हैं ये लोग, इन्होंने जानवर वगैरह सेल आउट किए, और ये इन्होंने थोड़ा सा अपनी मस्जिद भी बनाई और अपना थोड़ा सा ये इन्होंने घर वगैरह भी पक्के कर लिए हैं। यकीनन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ईद का आज दूसरा दिन है, तो सबको दिली ईद मुबारक। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।